गाइस, हैप्पी दिवाली। आई नो ये व्लॉग लेट जाएगा, बस लास्ट दिवाली है, 24 अक्टूबर है, मंडे है। सो यस, मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती हूँ, बिकॉज आज बहुत कुछ प्लान्ड है दिन में। बस आई जस्ट होप कि मैं कैमरा उठाना भूल ना जाऊँ, जो मेरे साथ यूजुअली होता है जब भी मैं कुछ ज़्यादा एक्सेसिव कुकिंग कर रही होती हूँ या बहुत कुछ एक्सेसिव हो रहा होता है ना मेरे बैकग्राउंड में, लाइक क्योंकि आई एम द सोल पर्सन हेयर डूइंग एवरीथिंग, तो मुझे कैमरा उठाना मैं भूल जाती हूँ। तो इसीलिए आज मैं कोशिश करूँगी कि मुझे याद रहे कि मुझे कैमरा उठाना है। बढ़िया, आज मेरी मॉर्निंग थोड़ा लेट हुई है बिकॉज आज मेरी जो हेल्पर है, हाउसमेट, वो नहीं आने वाली थी छुट्टी पर दिवाली की, इसलिए मैंने सोचा मैं आराम आराम से अपना काम मैनेज कर लूँगी। तो इसलिए बस उठ के सफाई की है घर की, एंड देन अभी किचन में थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है, नॉट मच कि अभी आप लोग को दिखाया जाए, थोड़ा बहुत चल रहा है अभी, बस छोटा छोटा। तो इसीलिए सो या दैट्स द अपडेट। अभी बस नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद लगेंगे किचन में काम पे, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए आज। सो या इवनिंग में वी हैव प्लान्ड गोइंग आउट, हम यहाँ पे मतलब पूजा करेंगे बस अपने घर पे, एंड देन विल गो आउट। तो या दैट्स द प्लान फॉर टुडे, बहुत मज़ा आने वाला है। और मिस्टर हस्बैंड, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली भाई। शक्लें बता रही है कि हम थोड़ी देर पहले ही उठे। सो या चलिए गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। वेलकम बैक गाइस। हाँ, नहाना धोना हो गया है, ब्रेकफास्ट भी बन रहा है, एंड जैसे मैंने बोला कि मैं भूल गई कैमरा उठाना, तो यस यहाँ पे मेरे आज मैंने बनाए हैं ब्रेकफास्ट में पकौड़े, तो ये फ्राई हो चुके हैं, थोड़े से यहाँ हो रहे हैं, ये चल रहा है यहाँ, बस अभी चाय बनाएंगे, नाश्ता करेंगे। ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, हम करते हैं इंजॉय। यस, अगर आप लोग का भी मन कर रहा है तो आप बना के खा लो। गाइज, मैंने थोड़ा थोड़ा फ्लावर्स भी ना अभी लगाना शुरू कर दिया है, एक्चुअली लग गए जितना मुझे लगा। सो यस, यहाँ मैंने लगाया है, ये लाइट्स ना मेरे लास्ट ईयर वाले थे, मैंने नए नए लिए थे, ये सोचिए कि ओके दिस इज़ फाइन, कितना यूज़ होता है, ये भी लास्ट ईयर से रखे थे, बट या इसमें ना ये दो ख़राब हो गए हैं बल्ब, तो इसलिए अभी मैंने हस्बैंड को भेजा है कोई नई दूसरी लाइट लेने के लिए। बट या दिस इज़ हाउ इट लुक्स, एंड लेट मी शो यू माई मेन डोर, दिस इज़ हाउ दिस लुक्स, वेट आई शो यू फ्रॉम द आउटसाइड। यस, ये आई एम सो हैप्पी, एंड यस देयर वी आर। ओके, बाय द वे गाइस, ये मेरी शादी का फोटो है, ये लास्ट ईयर की दिवाली का फोटो है गाइस, लुक एट दिस, एंड ये रैंडम हमारा फोटो है। सो यस, दैट इज़ हैपनिंग, कुकिंग भी स्टार्ट करनी है, बट अभी एक्चुअली क्या हुआ, हस्बैंड जैसे मैंने बोला कि लाइट लेने गए हैं, एंड मेरे को एक रेसिपी भी शेयर करनी है आप लोगों के साथ, मैं कुछ बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा एक स्वीट की रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, तो या इसलिए मैं रुकी हूँ, बट हाँ तब तक मैं इंग्रीडियंट्स एंड एवरीथिंग निकाल के रखूँगी, जैसे ही हस्बैंड वापस आएंगे आई विल हैंड ओवर द कैमरा टू हिम, एंड देन फिर मैं स्टार्ट करूँगी। बट यस, दैट इज़ हैपनिंग, एंड या मैंने ना 3 दिवाली आउटफिट्स लिए थे, मंगाए थे, बहुत सुंदर सुंदर, ठीक है, एंड इस बार ना मैं इतना लेट चल रही थी बिकॉज एंड टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब हुई, वायरल हो गया था, एज यू ऑल नो मैंने इतना पोस्ट किया था उसके बारे में इंस्टाग्राम पे, सो या एंड फिर उससे पहले मेरा ज्वेलरी एग्जीबिशन का चल रहा था, फिर घर की सफाई, फिर वायरल, तो ऐसे कर करके ना मैं इस बार अपने ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दे पाई, तो मैंने जो आउटफिट्स मंगाए थे वो मैंने ओपन ही नहीं किए थे जो मुझे पहनने थे दिवाली में, एंड फिर मैंने फाइनली वो कल रात में ओपन किया, मैंने कहा देखूँ यार साइज़ वगैरह तो देखें एटलीस्ट, अगर नहीं फिट होता है कुछ भी तो कुछ और पहनना है तो उसके बारे में डिसाइड करेंगे, एंड जब मैंने वो आउटफिट्स खोले ना गाइज, कैसे बोलूँ मैं, मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट आउटफिट आया है, मैंने मंगाया लहंगा था, भेज दिया मुझे कुर्ता, मंगाया मैंने एक सूट सेट था तो भेज दिया मेरे को कुछ पता नहीं क्या गंदा सा, वो मैंने ओपन भी नहीं किया, वो बाहर से तब बड़ा था, सो इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट आइटम, एंड ये मेरे साथ किस कहाँ से हुआ, मीशो से हुआ है, या मैंने मीशो से इस बार कुछ अच्छे आउटफिट्स मंगाए थे, लाइक इट वॉज़ वर्थ, ऐसे थे कुछ 2000 तक की रेंज के थे, इट वॉज़ गुड प्रोडक्ट, तो मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं लेके इस बार कैसा रहता है, सच अ बैड एक्सपीरियंस गाइज, तो इसीलिए अभी मेरे पास आउटफिट तो खैर मैंने और भी रखे हुए थे अपने लिए पहनने को, तो यस उसमें से पहनेंगे, ये तो जो इसलिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, एक्चुअली ये आप लोगों को दिखा होगा एंट्रेंस पे पार्सल यहाँ पड़े थे,
वो रिटर्न के लिए पड़े हैं, वही पार्सल वही आउटफिट्स हैं, तो वो वापस जाने हैं इसलिए वैसे पड़े हुआ है, तो वो आ जाएगा बंदा रिटर्न करने लेने के लिए, तो मैं दे दूंगी। तो या बढ़िया आउटफिट्स हैं, ऐसा नहीं है कि आउटफिट नहीं है, आउटफिट है मेरे पास। एंड दो तीन आउटफिट्स हैं स्टिल मेरे पास, जिसमें से मेरा प्लान दो को पहनने का तो है ही, क्योंकि मुझे शाम में बाहर भी जाना है। इफ़ यू गैस रिमेंबर, मैंने कई बार उनके साथ व्लॉग भी किया है। देर इज़ वन ऑफ माई रिलेटिव जो यहाँ पुणे में ही रहते हैं नियर बाय, तो उनके घर हम जाएंगे, तो शाम में पूजा वगैरह अपने घर में अच्छे से करके तब जाएंगे उनसे मिलने के लिए, एंड वहाँ साथ में ही सब पटाखे वटाखे चलाएंगे एंड ऑल। तो ये प्लान है, डिनर साथ में करने का प्लान है, तो इसीलिए तो दो आउटफिट हो जाएंगे यूज़, बाकी देखते हैं। एंड अभी मैंने कुछ ज़्यादा ग्लैमरस नहीं पहना, बिकॉज अभी किचन में बहुत ज़्यादा काम है, तो इसीलिए मैंने कुछ ऐसा नहीं पहना। आई जस्ट वोर अ बेसिक आउटफिट, सूट पहना है फॉर अ चेंज। जनरली मैं, देखा है आपने, कि लोअर या शॉर्ट्स या टी शर्ट और ऐसे में रहती हूँ, बट आज मैंने सूट पहन लिया। एंड अगेन उसमें भी पोपट हुआ है। मैंने रिसेंटली एक मीशो की ही आउटफिट की रील डाली थी, दिवाली आउटफिट की, वो आउटफिट मैंने वो रील के बाद ना, एक्चुअली मैं कोई भी नया कपड़ा हमेशा धो के पहनती हूँ, जैसे ये भी सूट है, ये भी मैंने लिया था नवरात्रि के दौरान, लेकिन फिर मैंने उसको वॉश करके ही पहना, वीडियो के लिए पहन के, और उसके बाद मैं वॉश करके ही पहनती हूँ जब मुझे पहनना होता है वैसे प्रॉपरली। तो मैंने वो आउटफिट अपना धो दिया कल शाम में कि आज मैं पहन लूँगी। यू वोंट बिलीव इट गाइज, मैं ना उसका इंस्टाग्राम पे भी ना, मैं उसका वो नंबर एंड एवरीथिंग मैं डाल दूंगी स्टोरी में, कि प्लीज़ डोंट बाय दैट उस वेंडर से, इसलिए मैं नंबर भी मेंशन करूंगी, प्रोडक्ट नंबर जो रहता है उनका। वो पहले तो मैंने ना वो ब्लैक कलर का था, तो मैंने अपने हस्बैंड की ब्रांड न्यू ब्लैक शर्ट एक ली थी जो करवा चौथ पे, वो मैंने साथ में धो दी, मैंने दोनों ब्लैक कपड़े नए हैं साथ में धुल जाएंगे तो कोई और कपड़े पर रंग नहीं आएगा। बट एक सेकेंड, गैस पे मेरे पे कुछ रखा है कुकर में, फिर बताती हूँ। या एक्चुअली वो जल जाता है इसलिए कुकर में सीटी आनी रहती है एंड वो फिर ख़राब हो जाती भरतिया। सो वो आउटफिट के साथ क्या हुआ, मैंने धो दिया तो पहले तो जो उस पर प्रिंट था, जो मेरा आउटफिट था, वो प्रिंट ट्रांसफ़र हो गया मेरे हस्बैंड की शर्ट पे, यानी कि वो ब्रांड न्यू शर्ट हो गई है ख़राब। एंड आई डोंट नो वो कैसे ठीक हो गया, आई ट्राई माई बेस्ट कि वो साफ़ हो जाए, बट लेट्स सी। सो पहले तो वो एक शॉक लगा, उसके बाद जो प्रिंट वहाँ से हटा ऑब्वियसली, जो उस आउटफिट से वो उस पर कलरफुल प्रिंट लग गया शर्ट पे, तो वो जो मेरा आउटफिट था उस पर से हट गया। वो इतना बुरा दिख रहा था कि मैं क्या बोलूँ, वो नाइटी भी नहीं, मैं नाइटी में भी यूज़ नहीं करूँ उस कुर्ते को अब मैं, बट स्टिल आई थॉट कि चलो नया है आज पहन लेते हैं दिन में ही अभी, तो ठीक है चलो कुछ घंटों की बात है पहन लेते हैं, इतना बुरा भी नहीं है। बट वो इतना टाइट हो गया गाइज कि वो घुसा ही नहीं, मैं पहन ही नहीं पाई उस आउटफिट को फिर। मतलब मैंने उसके लिए यार 400-500 रुपये भरे थे एंड वो पहले वॉश पे वो ऐसा हो गया। उसके अलावा मेरे हस्बैंड की इतनी एक्सपेंसिव शर्ट थी यार वो, जो ख़राब हो गए। आई जस्ट होप कि वो साफ़ हो जाए एटलीस्ट, तो मेरे को दर्द कम होगा, पर ना सीरियसली। सो मैं ना वो मेंशन करूँगी इंस्टाग्राम पे, डो नॉट बाय दैट आइटम गाइस, क्योंकि मैंने उसकी बहुत तारीफ़ की थी, मैंने उसको स्टाइल किया था, मैंने बहुत प्रॉपरली उसको पहन के रील में दिखाया था, बिकॉज वो बहुत फेमस आउटफिट है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने उस पर टाइटल भी वही, कैप्शन भी वही रखा था, मीशोज मोस्ट फेमस ड्रेस करेंटली, ट्रेंडिंग ड्रेस। तो या वेस्ट ऑफ मनी, मेरे पैसे वेस्ट हो गए। दूसरा, अब मैं उसका क्या करूँ यार, वो टाइट भी हो गई, मैं किसी को एवं ही देनी ही पड़ेगी जो मेरे से पतला हो, और उतनी ख़राब है ही, मैं अपने किसी कज़न को नहीं दे सकती कि चलो यार नई है तुम यूज़ कर लो, टाइट हो गई। सिर्फ टाइट होती ना तो भी एटलीस्ट वो यूज़ेबल तो थी किसी और के, बट वो प्रिंट भी हट गया, इतनी बुरी हो गई है ना गाइज कि मैं आपको क्या बोलूँ। बट यस एनीवे, चलिए रेस्ट इज़ रेस्ट, आज बात करते हैं दिवाली की हमारा। तो या अभी मैं जल्दी से इंग्रेडिएंट्स निकाल के रखती हूँ, तब तक हस्बैंड आएंगे एंड देन मैं बनाऊंगी वो रेसिपी। सो या स्टे ट्यून्ड। यस गाइस, तो अभी रेसिपी थोड़ा सा मैंने डिले कर दी बिकॉज अभी लंच टाइम होने वाला है, तो मैंने सोचा कि सब्जी एंड ऑल बनाया जाए, इसलिए यहाँ बन रही है एक सब्ज़ी, यहाँ पे आलू हो रहे हैं बॉयल, यहाँ पे मेरी अरवी हो चुकी है बॉयल, तो वो इसके बाद जाएगी गैस पे सब्ज़ी के लिए। सो यस दैट इज़ हैपनिंग। अभी बस आटा और लगा के रखते हैं पूरी का एंड कचौड़ी के लिए। तो अब रेसिपी बनाएंगे थोड़ी देर में, ऑल्दो मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल के रख लिए, बस ओके वी विल गोना वेट
पहले लंच प्रेप कर लेंगे उसके बाद करेंगे। यहाँ क्या चल रहा है, फूलों को तोड़ा जा रहा है रंगोली बनाने। ये मैंने काम असाइन कर दिया क्योंकि मैं खाना बनाने में बिजी थी। मैंने कहा तब तक सर आप ये करें, हम ये काम करते हैं। चलिए जब तक मेरी सब्जी हो रही है मैं भी जल्दी जल्दी हेल्प करती हूँ, फूल तोड़ती हूँ, जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं। यस गाइस, चलिए अभी सब्जी बन रही है एंड फाइनली मेरी एक साइड की गैस जो है मेरा चूल्हा वो खाली है फिलहाल, इसलिए मैंने सोचा जल्दी से रेसिपी बनाते हैं आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। इट्स अ स्वीट बेसिकली। तो यस चलिए पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो हम बनाने वाले हैं कोकोनट लड्डू या कोकोनट बर्फी यू कैन से। तो यहाँ मैंने लिया है ये कोकोनट का बुरादा, ये मैं और भी है मेरे पास, ये मैं लेने वाली हूँ 400 ग्राम्स। उसके बाद मैंने यहाँ 200 ग्राम ऑफ शुगर एंड 200 ग्राम्स ऑफ मिल्क लिया है एंड थोड़ी सी इलायची ली है, सफ़ेद इलायची को वैसे कूट के रख लिया है यहाँ पे। तो हमें जो रेशो है दैट इज 2:1:1 के रेशो में हमें लेना है और किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत टेस्टी लगती है। जिसको कोकोनट पसंद होगा ना, जैसे कि मैं, मुझे बहुत पसंद है, तो ये उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख ली है, ये थोड़ा सा हीटअप हो गई है, हमें बिल्कुल घी का कोई यूज नहीं करना है, सीधा कोकोनट हम इसमें डाल देंगे इतना ही। और मैं ले रही हूँ 200 ग्राम से, ये हो गया हमारा 400 ग्राम ऑफ कोकोनट। अब इसको ना हमें मीडियम फ्लेम पे बस ऐसे हल्का हल्का चला के भूनना है, जिसमें हमको लगेंगे कुछ 10-15 मिनट। जलाना नहीं है, बहुत जल्दी ये जल जाता है इसलिए हमें बहुत केयरफुली इसको करना है। तो अब मैं अपना फ्लेम जो है करती हूँ मीडियम, बस अभी यहाँ पे कंटिन्यूसली स्टर करना है, इसको छोड़ना नहीं है वरना नीचे का लग जाएगा। सो गाइस देखिए हल्का सा ये कलर चेंज हुआ है, हमें ज़्यादा कलर इसका चेंज नहीं करना है बेसिकली वरना वो जल जाएगा ब्राउन करोगे तो। बस ये वाइट से हल्का सा क्रीमी हुआ है। अब हम यहाँ पे सब कुछ डाल देंगे जो बाकी का था। तो ये गई हमारी चीनी, इलायची एंड ये दूध, बस अब इसको चलाना है अच्छे से, मिक्स करिएगा बहुत अच्छे से। अगर जरूरत लगे तो बाद में दूध थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, बट अभी पहले इसको अच्छे से मिक्स करना है और देखना है कि जरूरत नहीं पड़े। यहाँ पे अब आपको इसको कंटिन्यूसली स्टर करना है, बिल्कुल नहीं रोकना है हाथ। सो गाइस देखिए अभी ना ये मैंने जब पकाया हल्का सा, इसको पकाने के बाद ना ये ऐसे ड्राई हो गया है, सारा जो दूध का पानी था वो सब उड़ गया है हमारा, एवेपोरेट हो गया है एंड नाउ इट इज रेडी। तो बस अब इसको हम निकाल लेंगे बाहर। इसको ना गाइस जब थोड़ी देर के लिए मैं ठंडा होने के लिए रख रही हूँ, एकदम ठंडा नहीं करना है, गुनगुना रह जाए उतने तक करना है बस, हल्का सा तो थोड़ी देर यहाँ रखते हैं। उसके बाद मतलब अपने हाथ में आ जाए उतना, जब हम इसको बनाएंगे लड्डू के फॉर्म में या बर्फी के फॉर्म, बर्फी के तो आप इसको ऐसे ही स्प्रेड करके जमा दो हो जाएगा ठंडा कर दोगे, बट मैं लड्डू बनाने वाली हूँ तो उसको लड्डू की शेप देने के लिए हाथों में आना चाहिए। तो अभी एक्सेसिव गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होगा उसके बाद में शेप बन। यस गाइस नाउ वी आर रेडी, ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा सूखा कोकोनट पाउडर और ले लेना है गार्निशिंग के लिए, वो काम आएगा इसीलिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। आई एम नॉट सो गुड एट इट गाइस, तो इसीलिए इग्नोर।
थोड़ा सा, आई एम नॉट दैट गुड। इसको लेके इसमें करेंगे हम टिप हल्का सा, दिस इज रेडी। ऐसे ही हम अपने बाकी के भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी, कुछ बीच में ना थोड़ा और काम आ गया इसलिए ज्यादा ठंडा हो गया, वरना अभी थोड़ा सा इसको गर्म ही होना चाहिए था। सुंदर दिख रहे हैं ना? चलिए मैं जल्दी से ही सारे खत्म करके आपको दिखाती हूँ। एंड इट इज रेडी, दी लुक सो डिलिशियस। हालांकि मैंने अब तक टेस्ट नहीं किए, पहले भगवान जी को खिलाएंगे उसके बाद खुद खाएंगे, इसीलिए। यस दैट्स द रेसिपी, बहुत इजी थी, बहुत सिंपल थी, बस क्विक वाली थी। कुछ भी अगर नहीं है ना घर पे स्वीट, जल्दी से उसको बनाओ 15 मिनट में, एंजॉय। या चलिए बाकी काम करते हैं अभी जल्दी जल्दी। अभी मैं बनाने जा रही हूँ दूसरी सब्जी, एक सब्जी बन गई है पर दूसरी अभी तक नहीं बनी है, वो बनाते हैं उसके बाद करेंगे बाकी काम। सुबह से कर रही थी, मुझे लगा था हो जाएगा टाइमली, बट आई एम लाइक रियली लेट नाउ, जितना काम है हिसाब से बहुत लेट चल रही हूँ। चलो कोई नहीं, जल्दी जल्दी पिकअप करते हैं अपना काम और करते हैं, तो इसलिए सी यू इन अ बिट। यस गाइस, खाना बन रहा है फाइनली, करते करते कितना 3:30 हो गए। यस नाउ आई एम लाइक चलो लंच कर ही लेते हैं, ऑल्दो भूख नहीं लग रही है दोनों में से किसी को, फिर ये भी एक काम है इसको ख़त्म कर ले, फिर उसके बाद अपने बाकी कामों में लगेंगे, लाइक जैसे कि रंगोली बनाना एंड ऑल, इसीलिए ये काम नहीं ख़त्म कर लेते। गाइज अभी हो गई है शाम, कितने बज रहे हैं? 5 बज रहे हैं। यस 5 बज रहे हैं। थोड़ी देर मैंने हाफ एन आवर की एक नैप भी ली है, नाउ आई फील सो गुड, एकदम वापस एनर्जी आ गई है। मैं बस अभी यहाँ पे सफाई की है, झाड़ू पोछा वापस किया, क्योंकि सुबह से ना बहुत किचकी किचकी हो रहा था। यहाँ बनाने बैठ रही हूँ मैं रंगोली, उससे पहले मैंने क्या किया वो दिखाती हूँ। यस यहाँ पे बन गई है मेरी, शैलो फ्राई करके रखी है मैंने टिक्कीज को अभी, क्योंकि हम वहाँ जाएंगे ना जो मेरे रिलेटिव हैं उनके यहाँ, तो वहाँ पे ही हम इसको डीप फ्राई प्रॉपर करके एंड देन हम लोग खाएंगे एंजॉय करेंगे। सो यस ये मैंने शैलो फ्राई करके रख लिया है। सो एक्चुअली मैं नहीं चाहती थी कि सारा काम वो ही करें डिनर में, मैंने सोचा एक आइटम मैं करती हूँ एक आइटम आप करो तो सबका अच्छे से हो जाएगा डिनर, इसीलिए तो वो कुछ और बना रहे हैं, मैंने यहाँ टिक्की बनाई है। सो यस दैट्स द प्लान। एंड बस यहाँ पे मैं रंगोली का आइटम निकालना शुरू की, यहाँ कलर्स निकल गए, वहाँ मैंने सुबह फ्लावर्स करके रख दिए थे ना वो पत्तियाँ, वो हो गया है। बस अब जगह जगह पे बनाना शुरू करेंगे। मैं फ़िलहाल शूट नहीं कर सकती, फ़िलहाल मैं बनाते बनाते शूट नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज हस्बैंड गए हैं ज़रा काम से बाहर, तो इसीलिए मैं अकेली हूँ फ़िलहाल, तो साथ साथ शूट और रंगोली नहीं कर सकती। तो या अगर इन बिटवीन वो आ गए तो मैं शूट करूँगी, वरना आपको लास्ट में तो दिखाऊँगी मैंने क्या बनाया है। चलिए बनाते हैं। यस गाइस लिटिल अपडेट, एक्चुअली जो मैं रंगोली बनाने बैठ रही थी ना वो प्लान थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे कुछ कलर्स जो है ना लास्ट ईयर के रखे थे वो ख़राब हो गए, मतलब वो बन ही नहीं रहा, अजीब सा हो रहा है। तो इसलिए नाउ व्हेन माय हस्बैंड विल कम मैं उसको दोबारा भेजूंगी, बिकॉज वो अपना फ़ोन अभी घर पे छोड़ गया है, तो मैं उसको ये बोल नहीं सकती कि कलर लेते आना। व्हेन ही विल कम बैक तो आई विल सेंड हिम अगेन, एंड तब तक मैं क्या कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। टाइम वेस्ट करने के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है टाइम वेस्ट करने को आज, इसीलिए मैंने सोचा तब तक मैं ये दियो में ही तेल एंड बाती फिल कर देती हूँ, सो दैट कि ये काम तो हो जाए एटलीस्ट जल्दी से। तो यस दैट्स द थिंग गोइंग ऑन गाइस। अच्छा एक ही हाथ से ना ये दोनों काम करना बड़ा मुश्किल काम है, जनरली जब मैं कुछ करती हूँ तो इधर आई ट्राई टू फिट यू गाइज ऑन ट्राईपॉड या फिर मेरे हस्बैंड करते हैं, बट अभी
दोनों में से कोई भी चीज़ काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं ही कर रही हूँ दोनों काम। ये सारे जो मैं लाई थी ना दिए, कुछ कुछ अलग अलग वैरायटीज़ हम दिए, कुछ रंगोली में लगाऊंगी, कुछ जो नॉर्मली अपना घर में लगाते हैं वैसे लगाऊंगी। जस्ट प्रेपिंग ऑल ऑफ इट एंड डन। हेलो गाइस, वेलकम बैक। यस, हम दोनों रेडी हो चुके हैं। दिस इज माय आउटफिट। हाँ, मैंने साड़ी पहनी, ऑल्दो मैंने स्टार्टिंग में बोला था मैं कुछ और पहनने वाली थी, बट यस, चेंज ऑफ प्लान इंस्टेंटली। सो या, बट अभी लगाते हैं जल्दी से दिए, एंड 8 बजने वाले हैं, पूजा करनी है, इसलिए जल्दी जल्दी काम करते हैं। चलिए, नाउ वेयर टू। चलिए मैं आपको अब तक जरा लाइटिंग दिखाती हूँ जो मैंने अपने घर में की है। मैंने ना एक ही बल्ब लगाया है, डिस्को, ओके, डिस्को बल्ब टाइप। वी हैव दिस थिंग राइट हियर, ये पूरा नीचे तक है। खत्म हो गया। यस गाइस, पूजा हो गई है, एंड यस, अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना पूरा आउटफिट। ऑल्दो आप लोगों ने अब तो फोटोज देख लिए होंगे, बस स्टिल में दिखा देती हूँ। सो या, सो यस, ये मैंने अपनी साड़ी पहनी है। ये बहुत, मैंने शादी के टाइम की साड़ी ली थी, बट ये उसकी एक बार यूज़ हुई, उसके बाद यूज़ ही नहीं हुई थी। मैंने सोचा आज इसको निकालते हैं, बहुत अच्छी लग रही है। ऑल्दो मेरा नेल पेंट लास्ट मोमेंट पे ड्रेस चेंज होने की वजह से नेल पेंट मैच नहीं कर रहा है, बट यार चले कोई नहीं, काम चल जाएगा। आवाज़ पता नहीं आप लोग को आ रही होगी या नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड में इतने पटाखे चल रहे हैं कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, इसलिए चलिए थोड़ी देर में मिलेंगे। फिलहाल आई डोंट नो कि मैंने वीडियो में अपनी ये दिखाई कि नहीं रंगोली, बट मैं अभी दिखा देती हूँ अगर नहीं है तो। यस, यहाँ हमने कर ली पूजा अच्छे से, एंड बस अब हम वेट कर रहे हैं, अब हम जो है ना वेट कर रहे हैं, दिए जो हमने हर जगह हर रूम में लगाते हैं ना, वो थोड़ा सा अपने आप ही मतलब ख़त्म हो जाएगा जब उसका ऑयल, तो उसके बाद हम निकलेंगे जहाँ हमें जाना है रिलेटिव के यहाँ, तो इसीलिए हम अभी वेट कर रहे हैं। तो यार ये रहे मिस्टर हस्बैंड। सबसे आधुनिक परमाणु भैया, हेलो, और भी बाकी का सब हंस दो, अब तो हंस दिए हो। ये नहीं हमारी भाभी साजिदा जी एकदम सिद्धार्थ, मैं आ रही हूँ। सो गाइज, खाना पीना हो गया, एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं कैमरा उठाना भूल गई। एपिक
ऐसे में मजा आता है, मुझे मजा नहीं आता। ये बात तो सही है। तो यस मैं क्या बोल रही थी, तो हम नहीं अभी फिलहाल यहाँ नीचे आ गए पटाखे फोड़ने के लिए, तो बस वही चल रहा है। ये मोमबत्ती ना यार साइड में रखो वरना मैं ही जलूंगी। सीधे दिखा ये। शिवानी आगे पटाखे पटाखों की थैली से आगे ऐसे से कट देते हैं। हाँ ना दोनों हाथों में लेके दूर रखा। अरे यार गलत जगह छोड़ रहे हो। पापा को देखा सूतली बम फूटते हुए। इधर आओ पे हाय गाइस वेलकम बैक। सो व्हाइल एडिटिंग मैंने नोटिस किया कि मैं इस व्लॉग का एंडिंग ही लेना भूल चुकी थी, तो इसलिए मैं अब ले रही हूँ। बढ़िया। आई जस्ट होप आपको ये दिवाली व्लॉग मेरा पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, आप लोग एंटरटेन हुए हो। एंड यस जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने शूट किया था उस दिन। स्टिल काफ़ी लंबा व्लॉग है यहाँ पे ऑलरेडी। बढ़िया। सो दैट वाज माय दिवाली व्हाट ऑल आई डिड, वो सब मैंने आपको दिखाया। सो आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो यू नो द ड्रिल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून। यू गाइस टेक केयर, आई लव यू ऑल सो मच।